महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज गंगाधर राव की। वाह भैया रामदीन, का पालकी भेजे हैं महाराज? अरे दोस्त, पालकी में बैठने वाला भी कोई कम नहीं है। हमारी झांसी का भाग्य खोलने के लिए आ गई महारानी मणिकर्णिका जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। काका, क्या हुआ? पंडित जी आ गए? नहीं काका, अब तक नहीं आए पंडित जी। तो उन्होंने कहा था कि वो अपने दामाद को भेज रहे हैं। हाँ काका, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, किंतु आप चिंतित ना हो, मैंने स्वयं झांसी के राजमार्ग पर एक सेवक को भेज दिया है। तात्या, बहुत कम समय बचा है, यदि समय पर पंडित जी नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। काका आप चिंतित ना हो, मैं अभी जाता हूं, यदि वो मुझे मिल गए तो मैं स्वयं उन्हें गणेश मंदिर लेकर पहुंच जाऊंगा, अन्यथा कोई और व्यवस्था कर लूंगा। बाबा, हम कैसे लग रहे हैं? बेटे, भागीरथी की साड़ी में सचमुच अप्सरा लग रही हो। तो बेटे, श्रीमंत सरकार ने इतने भारी वस्त्र भेजे थे तुम्हारे लिए, महाराज जी ने भी विवाह का जोड़ा भेजा था, फिर बेटे तुमने इस साड़ी का चयन कैसे कर लिया? बाबा, आप जानते हैं ये हमारी आय का है और इससे बहुमूल्य वस्त्र कोई हो ही नहीं सकता। हम तो सदैव हमारे मनोदीप के साथ बैठते हैं। प्राची, जिद नहीं करते, ये पालकी विशेष रूप से वधु के लिए वर पक्ष से आई है। तुम ऐसा करो, तुम इंदु दीदी के साथ बैठ जाना। ठीक है नाना भाव, जब आप हमें कोई काम बोलोगे तब हम ठेंगा दिखाएंगे। अच्छा मलिका आलिया, हमें इजाजत दीजिए। आप कहाँ जा रही हैं मोती भाई जी? आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? जरूर चलते, लेकिन एक तवायफ का
मलिका के साथ जाना मुनासिब नहीं। नहीं, आप चलेंगी। आप भूल जाइए अपने अतीत। आप मणिकर्णिका की बड़ी बहन। तात्या, तात्या, तुम इन सबके साथ चले जाओ, मैं यही रुकता हूं। काका, ये उचित नहीं है। काका, आप वधू के पिता हैं, यहां मंडप में आपका होना अनिवार्य है। मैं यहां रुककर पंडित जी की प्रतीक्षा करता हूं। परंतु तात्या, पंडित जी नहीं आए तो? काका, आप विचलित मत होइए, वो शीघ्र अति शीघ्र आते होंगे, और जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें लेकर यहां आ जाऊंगा। तात्या, तुम यहां रुकोगे? क्या अपनी शिष्या के साथ मंडप तक नहीं जाओगे? मोरपन जी नमस्कार। प्रणाम। आप सब गणेश मंदिर पहुंचिए, पुरोहित जी के आते ही हम स्वयं उन्हें लेकर मंडप आ जाएंगे। परंतु बहन जी, आप अरे अब तो हम रिश्तेदार हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम पुरोहित जी को लेकर शीघ्र ही आ जाएंगे, आप निश्चिंत होके जाइए। जी, धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के जय। 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 ठहरो, अपनी शिष्य की डोली पहले हम उठाएंगे। दाते गुरु, कृपया कुछ पल रुकिए ना। बेटा, आप किसकी प्रतीक्षा है? समल भाव की। मनु, वो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उनका आना संभव नहीं लग रहा। होने वाली महारानी। एक एक आदमी पर नजर रखो, समर सिंह जरूर आएगा। सर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इतने सख्त चौक से तुम समर सिंह को नहीं जानते? यू डोंट नो हिम एट ऑल। उसने मणिकर्णिका को अपनी बहन माना। कृपया करके विवाह स्थल पर शीघ्र लेके चलिए। चलिए चलिए। अवश्य श्रीमान, अवश्य। परंतु आप इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, थोड़ा जलपान ग्रहण कर लें। नहीं श्रीमान जी, इस समय इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ठीक है ठीक है, मिष्ठान न सही, जल तो ग्रहण कीजिए। एक मिनट। ये लीजिए। धन्यवाद।
क्या बात है, अब आप असली पंडित की तरह व्यवहार करने लगे। सब आपकी कृपा है मालकिन। अब जाओ और जाकर बदल लो झांसी का इतिहास। विवाह तो हो। उसे कभी मान्यता ना। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के जय। 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 इतना बड़ा मंडप, इसमें तो हम सबका विवाह एक साथ ही हो जाएगा। महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की। बेटे मनु को ले जा, बारात आ गई, महाराज आते ही हो। महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की। क्या हुआ पंडित जी, आए नहीं? काका ये तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक सेवक को झांसी के राजमार्ग पर भेजा और उसने मुझे बताया कि पंडित जी महाराज झांसी में पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? देवा क्या होगा? काका गौरी पूजन का समय हो रहा। प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है, पधारी। हम भी लगाए। Thank you.
अब ठीक है? आई मोरूपन जी, सारे कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं ना? जी। ध्यान रहे, हमारे राओबा के विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। जी। मणिकर्णिका साहब, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमारी तरफ से पंडित जी अभी तक नहीं आए। लगता है अभी तक पंडित जी नहीं आए। आप आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संदर्शनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये महाराज जी को पहना है। मोरूपन जी, गौरी पूजन का पूर्ण प्रबंध हो गया? जी, सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे। आपके पुरोहित जी आ गए। जी जी, श्री अभी तक वधु पक्ष के पुरोहित महाराज नहीं आए हैं। राओबा, क्या बात है श्री? बेटा, गौरी पूजन का शुभ मुहूर्त निकलने ही वाला। पूजा तो वहां भी आरंभ हो चुकी होगी। नहीं राओबा, वहां कुछ नहीं हुआ। जी, वधु पक्ष के पुरोहित जी अभी तक आए ही नहीं। राओबा, अगर आरंभ में ही इतने विघ्न पड़ रहे हैं तो आगे क्या होगा बेटा? आइए पंडित जी, पधारिए। हर हर महादेव। आइए आइए। महाराज, अब हम गणपति पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करते हैं, आरंभ। मंगलम अंकस स्वास्थ्य भूर भूवस तो नो हरि शुभ मंगल। हाँ,
पुरोहित जी जी मंगलाष्टका पढ़िए जी। हमारा मतलब है विवाह मंत्र पढ़िए। हाँ हाँ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, विवाह मंत्र पढ़िए जी। हाँ हाँ जी जी हाँ जी। तनोहरी पुंडरी काक्षा आए पंडित जी। जी कौन से गोत्र से हैं आप? कश्यप, कश्यप गोत्र है हमारा। अपनों से बिछड़ने का दुख निकट संबंधियों से ज्यादा सखी सहेलियों को होता है। संभवतः बहू के साथ बिठुर से आई होगी। आयश्री, पहली बार एक तवाइफ की परछाई विवाह के रस्मों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये झांसी की प्रसिद्ध वेश्या मोतीबाई है। वेश्या कौन? वही जो हमारी होने वाली महारानी का घूंघट ठीक कर रही है। हमारी महारानी का एक पल भी उनके बिना नहीं चलता। बड़ी बहन का स्थान दे रखा है अपने जीवन में उन्हें। सच्चाई श्री, जीवन में पहली बार हमने एक वेश्या को विवाह में भाग लेते हुए देखा है। हमारे रावबा के मंडप में एक वैश्या के आने का साहस तो साहस। शादी की सामग्री को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? ऐश्वर्य, वास्तव में ये हमारे रंगशाला बस में... रावबा बस, हमारी अनुपस्थिति में इन सब लोगों ने तुम्हें क्या यही सिखाया है कि अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा सब कुछ भूल जाओ? एक वैश्या हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में भाग ले रही है और हम सब यहाँ खड़े हुए चुपचाप देख रहे हैं। मोतीबाई, इस मंडप में आने के लिए तुम्हें किसने कहा? हमें माफ कीजिएगा, मणिकर्णिका साहिबा ने तो हमें यहां आने से मना किया था। लेकिन हम इन्हें एक हकीर सा तोहफा, जज्बाती होकर और अपनी अटकात तक भूलकर। आयश्री साहिबा, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए।
हम सचमुच अपनी हदें भूल गए थे। मोतीबाई, ये विवाह हो रहा है, कोई नाटक नहीं। अपनी बातों से हमें भावुक करने की कोशिश मत करो, निकल जाओ यहाँ से। आपका हुक्म सर आंखों पर। कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां धारणाय च वरगोत्रम् उच्चार्यो अमुकगोत्रोत्पन्नायो धर्मणः प्रपौत्रायो धर्मणः पौत्रायो धर्मणे कन्यार्थिने शिद्ररूपिणे वरायो गोत्रोत्पन्नां धर्मणः प्रपौत्रीं धर्मणः पौत्रीं धर्मणः पुत्रीं शिद्ररूपिणीं कन्यां भार्यात्वाय वृणीमहे वृणीध्वं कन्यादानं सम्पन्नं सुसम्पन्नम् प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि। महाराज, मैं बहुत चाहता हूं इसे। यदि इससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। किरणामन्यमानः ओम अमर्त्यम मर्त्योजोहो भीमि ओम जातो वेदयशो अस्मासु देहि ओम प्रजाभिरग्ने अमृततोमश्याम। विवाह संस्कार में कन्यादान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। हमारा पंडित जैसे इसे संपन्न करेगा, ओम अमर्त्यम मर्त्योजोहो भीमि, तो अपने आप इस विवाह का प्रश्न चिन्ह है। प्रजाभिरग्ने अमृततोमश्याम ओम यस्मै तोम सुकृते जातो वेदलोकमग्ने गणोऽस्तु नमः। ओम विश्वानिनो दुर्गा जातवेदः ओम सिंधुन्नवद्रुताधिपृषि। पंडित महाराज, अब वधु पक्ष की ओर से शेष प्रक्रिया आप संपन्न करें। जी हाँ। अब हर हर महादेव। सदैव सदैव लग्न। रुक जाइए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।